हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, बढ़िया। अभी तक हमारी 2 क्लास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हुई है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और एक एक चीज़ की हिंदी, एक एक चीज़ के मतलब, एक एक लाइन का मतलब आपको सिखा पा रहा हूँ। जिससे देखो, पता है क्या, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। एक कि आपको मैं कहानियाँ सुनाऊँ, अब वो कहानी सुनाकर आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दूंगा, पर जब आपको लर्न करना होगा तो वो कहानियाँ नहीं याद करोगे, वो ये चीज़ याद करनी होगी, है ना? फ़र्क है ना दोनों में? देखो, कहानियाँ मैं भी सुनाऊंगा आपको, बढ़िया तरीके से सुना सकता हूँ। एक फिल्म की कहानी और ये वाली कहानी, मैं खुद की बनाई हुई कहानी भी सुना सकता हूँ, पर उस कहानी से सुनाए से उस कहानियों को सुनाने से वो कहानी आपको याद नहीं करनी दोस्तों। आपको याद करना है कंटेंट। उस कंटेंट में अगर हम उसको और डिटेल में सीखे और उसकी ढंग से सीखे और तरीके से सीखे, अलग अलग तरीक़ों से सीखे उस कंटेंट को, तो वो आपको ईजी होगा याद करने में। तो मेरा पर्पज़ ये होता है कि जो कंटेंट हमें स्टडी मटेरियल में दे रखा है, उस कंटेंट को किस तरीके से याद करें, किस तरीके से उसको सिंपल बनाए, वो इजिली याद हो सके। याद तो आपको बेसिकली यही करना है। तो जैसे कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आज मैं डेफिनेशन चालू कर रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग अलग लोगों ने डिफाइन करा। पहला का विलियम एफ गुलिक गुलिक और एल्फर्ड डी चैंडलर चैंडलर रिसेंटली रिसेंटली तो वैसा वर्ड है। अलग अलग लोगों ने इसको डिफाइन करा दोस्तों। हैरिसन एंड सेंट जॉन्स, हैरिसन एंड सेंट जॉन्स ने कुछ इस तरीके से डिफाइन करा। तो अलग अलग लोगों ने डिफाइन करा। सर पता है क्या है, ये मैं आपको सीख सिखा रहा हूँ। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैं एक लाइन में या एक तरीके से भी सिखा सकता हूँ, बट अलग अलग लोगों की डेफिनेशन, अलग अलग जो पर्सन है, जो ये राइटर है, इनकी जो डेफिनेशन है वो क्यों सिखाई जा रही है, इसलिए सिखाई जा रही है क्यों एमसीक्यू में आने के बहुत चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा। कि बताओ, विलियम एफ गुलक ने क्या कहा था, है ना, सेंट जॉन ने क्या कहा था, है ना, ये सब अलग अलग डेफिनेशन। तो 3 डेफिनेशन बताई गई अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग पर्सन द्वारा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन करा गया विलियम एफ गुलक। उसने कहा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन है विच लीड, अगर हम स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एक्शन करते रहेंगे, वो हमें हमारी स्ट्रेटेजी को, हमारी स्ट्रेटेजीज को, हो सकता है हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हो सकता है हमने एक से ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनाई हो, उसको इफेक्टिव बनाए। उसको क्या बनाए दोस्त, इफेक्टिव बनाए, विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजीज टू हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी चीज़ समझ में आ रही है हमें, अगर एक लाइन पढ़ते हैं तो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन, एक स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन है विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव एक्टिविटी। जो हमें, अगर हम ऐसा करेंगे ना, स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एक्शन लेते रहेंगे, वो हमें क्या करेगा, हमारे को डेवलप करेगा, हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिव करने में और डेवलप करेगा, जिससे हम गोल को अचीव कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई मेरे को, ये बात क्लियर हो गई, पर ये समझ नहीं आया स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एक्शन क्या है। जब आप किसी लाइन को पढ़ते हो तो उस लाइन को समझने समझने के बाद वो लाइन इजी हो जाती है दोस्तों। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये बात मैंने एक लाइन पढ़ दी, सोचो, ये बात मैंने एक लाइन पढ़ दी और यही लाइन मैंने एक कहानी के तौर पे आपको समझा दी। फिर जब आप ये लाइन पढ़ोगे तब वो याद नहीं कर पाओगे आप, वो उसको आप समझने की कोशिश करिए। याद करने के लिए हमें हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। क्लास आप किस लिए ले रहे हो, जो आपने लिखा है सामने, जो स्टडी मटेरियल में लिखा है, ये हर एक चीज का मतलब क्या है, इसलिए तो समझ रहे हो, कहानी सुनने के लिए तो ना क्लास ले रहे हो, समझने आ रहा है। तो दोस्तों, 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। जैसे हम कभी, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था, तो जब मैं बिजनेस स्टडी पढ़ाता था 12th क्लासेस को, तो मैं वो कहानियां बहुत सुनाता था और बड़ी मजेदार, बच्चों को मजा भी आता था कहानियां सुनने में। जब वो याद करने बैठते थे तो वो याद नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहानियां, एक लाइन पढ़ दी मैंने, मुझे तो पता उस लाइन का मतलब क्या है, वो कहानी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बच्चा खुश भी हो गया कहानी सुनता सुनता, पर जब वो लाइन पढ़ने बैठेगा वो समझ नहीं आया होगा उसको, समझ रहे हो आप। ये एक डिसएडवांटेज भी है। तो एक चीज को अच्छे समझाना का मतलब है कि एक एक लाइन को बताओ उनको। अब बताने का मतलब है, मेरे को सब समझ में आता है, विच लीड टू डेवलप एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव करने में और डेवलप करेगा, और गोल को अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये समझ में आ गया, पर क्या करेगा, कौन डेवलप करेगा, क्या करने से डेवलप होगा, और कैसे हम ऑब्जेक्टिव को हेल्प, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा, स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। तो बस इसी का मतलब समझो, एक स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एक्शन है क्या, अ स्ट्रीम
ऑफ डिसीजन, यही बात मैं यहां पर नीचे लिखूंगा, अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन का मतलब क्या होता है बस। और जैसे ही मैंने आपको यह बात बता दी ना दोस्तों, आप कहोगे ये तो बहुत ईजी हो गया, और यही समझने की कोशिश करना है, यही इजी करना है। तो अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एक्शन का मतलब होता है डिसीजन लेते जाओ और उसमें काम करते जाओ, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। आपने कोई डिसीजन लिया उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करो और स्टार्ट कर दो, डिसीजन लेते जाइए और उसमें एक्शन करते जाइए, एक्ट करते जाइए, डिसीजन लेते जाइए एक्शन करते जाइए, डिसीजन लेते जाइए एक्शन करते जाइए, नेवर एंडिंग प्रोसेस बना दो। ये क्या बना दो? नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब रुको मत, आप डिसीजन लेते जाओ और उसको एक्शन करते जाओ, उसमें लगा इंप्लीमेंट करते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ, डिसीजन लो इंप्लीमेंट करो, डिसीजन लो इंप्लीमेंट करो, नेवर एंडिंग प्रोसेस बना दो, ये रुकना मत, डिसीजन लेते जाओ इंप्लीमेंट करते जाओ। दैट द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम, उसको कहते हैं स्ट्रीम। कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो और लेने के बाद उसको एक्शन में ला रहे हो, मतलब उसमें कार्रवाई कर रहे हो, मतलब उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो रुको मत, फिर डिसीजन लो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, हो गया इंप्लीमेंट, फिर डिसीजन लीजिए, फिर इंप्लीमेंट करिए, और ये करते रहिए, इसको प्रोसेस को रोकियो मत, ये प्रोसेस करते रहना दोस्तों। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम, नेवर एंडिंग प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं धारा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? धारा कहते हैं। धारा का मतलब यह हुआ पानी की जो धारा है, पानी कभी रुकता नहीं है ना, चलता रहता है। अगर वो एक नदी है, एक नदी का पानी कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है ना। अगर वो चारों तरफ से बंद कर दिया जाए तब नदी कभी बंद नहीं होती, नदी का पानी हमेशा धारा के चलता रहता है। तो ये है, तो चलता रहना मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, अगर इसकी बात करें तो स्ट्रीम का मतलब है नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो, फिर डिसीजन लो, फिर इंप्लीमेंट करो, तो ऐसे करते रहिए, रुकिए मत। धारा स्ट्रीम, समझ में आ रहा है या नहीं? स्टीम नहीं, स्ट्रीम। कंपनी के अंदर डिसीजन, बिजनेस के अंदर डिसीजन लेते रहो और उसको इंप्लीमेंट करते रहिए, और ये प्रोसेस नेवर एंडिंग बना दीजिए इसको, मतलब इसको प्रोसेस को एंड मत करिए, करते रहिए, इसको कहते हैं स्ट्रीम। अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब एक बिजनेस में हमें डिसीजन लेते रहना चाहिए, एक बिजनेस में हमें डिसीजन लेते रहना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए, एक्शन इंप्लीमेंट, मतलब अच्छा लगेगा इंप्लीमेंट, या आप एक्शन कह लो, एक्शन करते रहना चाहिए। और इस प्रोसेस को नेवर एंडिंग बना दो, और ये डिसीजन लेना इंप्लीमेंट करना, ये प्रोसेस नेवर एंडिंग बना दो, नेवर एंडिंग बना दो। नेवर एंडिंग का मतलब होता है रोको मत, इस प्रोसेस को रोको मत। कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस मींस डिसीजन एंड एक्शन, डिसीजन लेकर उसको इंप्लीमेंट करना, ये करते रहिए। जैसे आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपने कुछ सोचा कि अब मैं ये करूंगा, तो उसको इंप्लीमेंट करो, हो गया, फिर डिसीजन लो, फिर कुछ सोचो, फिर ये करूंगा, फिर इसको इंप्लीमेंट करो, फिर हो गया, फिर डिसीजन लो, फिर इंप्लीमेंट करो, हो गया। तो ऐसा प्रोसेस करते रहिए, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस नेवर एंडिंग बनाइए। इसको हम क्या वर्ड देंगे? स्ट्रीम कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? स्ट्रीम कहा जाएगा। आया समझ में? इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम कहेंगे। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कोई भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, और अब प्रोसेस क्या, स्ट्रीम ऑफ डिसीजन, डिसीजन लेते रहो, रुको मत, और उसको इंप्लीमेंट करते रहिए, रुकिए मत, दैट्स कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ अ डिसीजन। जब आप कभी भी, जब फर्म के एक बिजनेस के अंदर डिसीजन और एक्शन लगातार बेसिस पर चलता रहता है, इससे इससे यह होता है कि जो स्ट्रेटजी है या स्ट्रेटजीज है, अगर एक से ज्यादा बनाई है, वो उसके इफेक्टिव को, वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप होती है। अगर आप डिसीजन लेते रहोगे, लिख दिया, इतना लिख लो यार, जगह नहीं है, इतना लिख लो। वैसे आप जो लिख रहे हो, मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख दिया आपने, इतना लिखने के बाद मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वो लिखिए, लिखना, डिसीजन और एक्शन रेगुलर बेसिस पर करने से,
रेगुलर बेसिस मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस करने से, डिसीजन एक्शन ऐसे लिखो, डिसीजन और एक्शन लगातार करने से, लगातार करने से हमारी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज में डेवलपमेंट आता है। डिसीजन और एक्शन लगातार लेने या करने से हमारे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज में डेवलपमेंट होता है, और डिसीजन और एक्शन लगातार लेने से हमारे ऑब्जेक्टिव को हेल्प मिलती है अचीव होने में, और डिसीजन और एक्शन लगातार लेने से हमारे ऑब्जेक्टिव को हेल्प मिलती है अचीव करने में। लिखा ये लाइन, ये लाइन यहां पर आपको लिखनी है, इसको थोड़ा छोटा लिख देना, मेरे यहां पर बड़ा बड़ा दिखता है ना, तो आप जब अपनी कॉपी में आएगा थोड़ा स्पेस होगा इसके अंदर, काफी स्पेस होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, या मैं तो ये कहूंगा कि आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए, छोड़िए इसको, एक सेपरेट को एक लाइन लिखिए, उसमें ये वर्ड लिखिए, बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, ये बात मेरी मानिए आप। बाकी अगर आप कहते हैं भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो वो इसके जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये चीज होती है कि हाँ पहले आप कोई मिला मिल गया, स्पेस मिल गया, वहां लिख दिया जल्दी से। जब आराम से चीजों को समझना चाहते हो तो आप ये खुद लिखिए, उसका मतलब हिंदी में जो बता रहा हूं वो लिखिए और हो गया। तो विलियम एफ गुलिकिना का उसने कहा, एक तो पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, ठीक गुलक लिखा हुआ है ना ये, पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो ना। तो भाई इन्होंने क्या कहा, बस आपको एक लाइन बनिया, अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजीज एंड हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जरा आंख बंद करिए और आंख बंद करके सोचिए क्या बोला था, अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन, इधर मत देखिए, इधर मत देखिए दोस्तों, ऐसी बताइए, अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्या, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजीज एंड इट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिख लो या अपने आप बनाकर थोड़ा लिख लेना, पर ये वर्ड जरूर लिखना, ये वर्ड, ये वाला वर्ड, अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजी टू हेल्प, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज को डेवलप करता है, इससे ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव होने में मदद मिलती है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो हम स्ट्रेटेजी इसलिए लेते हैं, बट डिसीजन करेंगे या एक्शन लेंगे तो उसमें स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, जब हम लगातार बेसिस पर डिसीजन लेंगे तो हमारी लगातार बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनेगी, स्ट्रेटेजी बनेगी इससे क्या होगा, इफेक्टिव जो हमारी स्ट्रेटेजी बनी है वो और इफेक्टिव होती चली जाएगी और डेवलप होती चली जाएगी, इससे हमारा अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी दोस्तों। क्या क्लियर है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू अल्फर्ड डी चैंडलर, यार ये इनकी काज अजीब ही है, चलो अल्फर्ड मार्शल हो जाता है ना, अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स सुना था, अल्फर्ड डी चैंडलर, चैंडलर ही होगा ये, हाँ ठीक है, चलो जी। तो इसने क्या कहा, कहा डिटरमिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, यहां तक पढ़ते हैं, कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली करता है कि वो डिटरमाइन करता है एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स को और एक ऑब्जेक्टिव्स को, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को और लॉन्ग टर्म गोल्स को, जो चीज डिटरमाइन करती है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसका कहना ये था। एंड एडॉप्शन अ कोर्स ऑफ एक्शन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस नेसेसरी टू कैरी आउट दिस गोल, एडॉप्शन अ कोर्स ऑफ एक्शन कि भाई आप उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड को अडॉप्ट करोगे और कौन कौन से रिसोर्सिस को यूटिलाइज करोगे जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाओ। तो अल्फर्ड डी चैंडलर ने क्या कहा, उसने कहा कि भैया देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है डिटरमिनेशन करना किस चीज का, दो चीजों का, एक तो बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स कि आपका गोल क्या है और दूसरा आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटरप्राइज का लॉन्ग टर्म गोल और एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ऐसा कहा अल्फर्ड ने। तो अल्फर्ड ने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिटरमाइन करते हैं क्या चीज, दो चीज दोस्तों, पहला बेसिक लॉन्ग टर्म्स गोल, आपका गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, किस चीज का दोस्तों,
एंटरप्राइज का। और ऐसा करने से डिटरमाइन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें अडॉप्ट करने होंगे कुछ मेथड्स, कुछ मेथड जिससे हम उस चीज को, किस चीज को, गोल को डिटरमाइन करेंगे। और साथ में हमें क्या करना होगा, और हमें एलोकेट करने होंगे नेसेसरी रिसोर्सेज जिससे हम वो गोल अचीव कर पाए। एलोकेशन करना होगा नेसेसरी रिसोर्सेज का दोस्तों, एलोकेशन करना होगा नेसेसरी रिसोर्सेज का, जिससे हम बेसिकली हमारा मेन क्या हो जाए, हम क्या करें दोस्तों, गोल अचीव कर पाए, गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। क्लियर है, समझ में आया? तो इसने क्या कहा, अब याद हो गया सर, इसने कहा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिटरमिनेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेसिकली हम डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स, किसके, एंटरप्राइज के। कैसे करेंगे, एक्शन लेकर करेंगे, एडॉप्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, एडॉप्शन करेंगे किस चीज का, मेथड्स का। और क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे रिसोर्सिस को जिससे वो नेसेसरी रिसोर्स, जिससे वो गोल या फिर ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसमें डिटरमिनेशन करते हैं जी गोल्स और ऑब्जेक्टिव का, फिर उसमें मेथड देखते हैं कि कैसे ये हमारे गोल और ये मेथड, जैसे कैसे हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, उसके लिए मेथड अडॉप्ट करेंगे, मेथड लगाकर नेसेसरी रिसोर्सेज लगाकर वो अचीव कर लेंगे। ये कहता है अल्फर्ड जी, अल्फर्ड जी ने कुछ इस तरीके से कहा। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको उतना नहीं पता हो, है ना। तो मैं समझाता हूं कि गोल और ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या, देखो आपका गोल है कि आप सीएमए बनना चाहते हो, है ना, आपका ये गोल है कि आप सीएमए बनना चाहते हो। एक कंपनी का गोल होता है वो दुनिया की सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी हो, ये हो गया गोल। गोल होता है लॉन्ग टर्म, जैसे सीएमए बनना आपका लॉन्ग टर्म है, अभी आप इंटर ग्रुप टू में हो तो सीएमए बनना आपका लॉन्ग टर्म है, फिर ग्रुप थ्री दोगे, फिर ग्रुप फोर दोगे, ट्रेनिंग करोगे, ये सब अच्छा, तब जाके सीएमए बनोगे। तो लॉन्ग टर्म होता है गोल, पर ऑब्जेक्टिव वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सीएमए बनना आपका गोल है, सीएमए बनने के लिए आपको ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर क्लियर करना होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एक गोल को अचीव करना, मैं ये बनना चाहता हूं या मैं ये चाहता हूं, ये आपका गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्पेसिफाई स्टेप्स है, आप जो फॉलो करोगे, उसको अचीव करोगे, वो ऑब्जेक्टिव्स है। सीएमए बनना आपका गोल है दोस्तों, पर सीएमए बनने के लिए आपको ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर ट्रेनिंग सब कंप्लीट करना होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सिंपल भाषा में लिखना जरा एक बार, गोल का मतलब क्या होता है, गोल इक्वल टू, ऐसे लिखो, आपको जगह होगी तो वहां लिखेंगे, मैं इसको और बढ़ाकर दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। गोल का मतलब है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, गोल का मतलब है कि एक फर्म क्या अचीव करना चाहती है, ये उसका गोल है। जैसे कि एग्जांपल लिखना, उसी में गोल का मतलब लिखेंगे, ऐसे करके गोल लिखेंगे दोस्तों, इक्वल टू देकर लिखेंगे, उसमें लिखना एक फर्म क्या अचीव करना चाहती है, वो हो गया गोल। एग्जाम्पल कि अ फर्म वांट टू बिकम मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द कंट्री, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द कंट्री, तो वो अपनी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनना चाहती है, ये उसका ऑब्जेक्ट गोल है। ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखिए सर, ऑब्जेक्टिव लिखिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक फर्म अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेगी, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। एक फर्म अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो करेगी, एक कंपनी चाहती है कि वो अपनी कंट्री के अंदर मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए, ये उसका गोल है दोस्तों, ठीक है। अब मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी सेल को बढ़ाना पड़ेगी, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, अपने
मार्केट को और बढ़ाना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ये क्या है ऑब्जेक्टिव, ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ना भाई। सेल बढ़ाओगे तभी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और सेल बढ़ा तो रहे हो पर कॉस्ट कम करके बढ़ाओ जिसमें आपका मार्जिन ज्यादा हो प्रॉफिट का, है ना। तो आपसे कोई पूछे गोल क्या है तो आप कहना भैया एक फर्म क्या चाहती है, वो उसका गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप वो फॉलो कर रही है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया, क्लियर है? ओके क्लियर है यहां पर, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा, और जब आप इसको पढ़ोगे ना दोस्तों, जब आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो आप मिनट से पहले याद कर लोगे। देखो एक चीज हम तभी याद कर पाते हैं जब वो हमें अच्छे समझ में आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप इतना पढ़ चुके हो, इतने पढ़कर आ चुके हो, तो आपको वो चीज कभी याद नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आया होगा। एक एक लाइन जब आप हम याद करेंगे, मान लो ये चीज हम याद करेंगे तो इसकी एक लाइन पता होनी चाहिए ना दोस्तों, ये है असली मतलब सीखने का। अब हैरिस एंड सेंट जॉन ने क्या कहा, कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है थ्रू विच, जिससे हम, जिस प्रोसेस से एक ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एस्टैब्लिश अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, क्रिएट अ स्ट्रेटेजी दैट आर इंटेंड टू हेल्प अचीव एस्टैब्लिश्ड गोल एंड एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटेजी ऑल इन अफोर्ड टू सेटिस्फाई द की ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर। अहो इतना बड़ा बोल दिया, इसको बहुत आसान। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये दो लाइन आपको आपको याद होगी होगी, अगर आप इसको दो लाइन को एक बार पढ़ो और उसको माइंड में सेट करो, तो अभी दो लाइन को देखो कैसे पढ़ोगे। पहले वाले में कहा कि भाई जो अल्फर्ड विलियम थे उसने क्या कहा था, विलियम ने कहा था कि भाई अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजीज टू हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको डेवलप करता है क्या, स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। याद हो गया होगा आपको ये, ठीक है सर। इसके बाद जब आप इस पर आए थे तो इसके बाद क्या बोला इसने, बाय डिटरमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अडॉप्शन ऑफ एनी मेथड बोल लो या एनी कोर्स ऑफ एक्शन वी एंड एलोकेशन ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, खत्म। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा भी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं ना, जितना याद हो रहा उतना तो आप कर ही सकते हैं ना, उतना बना के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अगर आप एक पूरे पैराग्राफ में 75% चीज भी याद कर लेते हो ना, मतलब 75% लाइन याद कर लेते हो, बाकी अपने पास, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, या पूरा पूरा तो कोई भी याद नहीं कर पाएगा। बट ये है कि 75% अगर आप याद करके जा रहे हो स्टडी मटेरियल का, उसको लिख देते हो, तो आपको 100% नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है सर। अब इसका देखते हैं, ये बड़ा डिफिनेशन खतरनाक सी लग रही है। सबसे पहले बोला, मैं हिंदी में लिख दूं, उसको हिंदी में लिखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है, क्या करती है दोस्तों, एनालाइज करती है एंड लर्न करती है, एंड लर्न करती है, क्या लर्न करती है, दो चीज, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट को, भाई कंपनी के अंदर क्या इन्वायरमेंट चल रहा है उसको लर्न और एनालाइज करेगी, और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, कोमा, और जब ये एनालाइज कर लेती है तो आफ्टर एनालिसिस एंड लर्न, देखना सेकेंड पॉइंट, आफ्टर एनालिसिस एंड लर्न, जब ये एनालाइज करती है तो आफ्टर एनालिसिस एंड लर्न क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है स्ट्रेटेजिक डिसीज डायरेक्शन, फिर क्या करती है दोस्तों, बनाती है एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और क्रिएट करती है स्ट्रेटेजी, क्या बनाती है भैया, बनाती है इस्टेब्लिश, बनाती है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन बनाते हैं कि किस तरीके से, किस तरीके से, देखो एंड मोटिव तो वही है भाई, गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। अब तुम घुमा फिरा के बोल दो, अभी ये कह रहा है, ये भैया कह रहा है कि भाई हैरिसन और सेंट जॉन क्या कह रहे हैं जी, कहता है भाई एसएम कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो एनालाइज करती है और लर्न करती है। एनालाइज करती है क्या, एनालाइज करती है भाई इंटरनल एनवायरमेंट बिजनेस के अंदर कैसा है, उसको एनालाइज करेगी, देखेगी, लर्न करेगी, सीखेगी। एक्सटर्नल, बाहर पब्लिक का क्या एनवायरमेंट हमारी कंपनी को लेकर,
हमारे प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं कितने नहीं बिक रहे, वो एनालाइज वो लर्न करेगी। जब वो कर लेगी फिर बेस पर स्ट्रेटेजी बनाएगी। अच्छा स्ट्रेटेजी बना ली, लर्न करने के बाद एनालिसिस देखा, एनालाइज करा इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर का और बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट को लर्न करा, और एनालाइज करने के बाद लर्न करने के बाद फिर बनाते हैं एक डायरेक्शन किस तरीके से काम किया जाएगा। अरे किस चीज की डायरेक्शन क्या करना है ये तो बताया नहीं भाई, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, बस उसमें भी यही था उससे पहले भी यही था। अरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब एंड आंसर तो यही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एंड आंसर तो यही है भैया, आप जो मर्जी कर लो आपको गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब देखना इसमें भी यही था, तो अचीव एस्टैब्लिश्ड गोल, जो गोल आपने सेट करे थे उसको अचीव करने के लिए कहता है एक तो बनाओ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बनाओ और स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, डायरेक्शन क्रिएट करो और स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे मेरे भाई हम जो गोल सेट करे थे, जो गोल सेट किए थे उसको अचीव करने में हेल्प मिले, अचीव करने में हेल्प मिले, जो गोल सेट करे थे उसको अचीव करने में हेल्प मिले। ठीक है जी भाई, और गोल को तो अचीव करने में हेल्प करे, साथ में जो स्टेक होल्डर होते हैं हमारे कंपनी से जुड़े हुए लोग, क्या होते हैं उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर को, क्या कहते हैं दोस्त, कंपनी से जुड़े हुए लोग, स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करे। जैसे कि भाई इंप्लॉय हो गए फर्म के, तो फर्म के इंप्लॉय कब सेटिस्फाई होंगे, जब उनको अच्छी सैलरी बोनस इंसेंटिव स्कीम दी जाएगी। सप्लायर कब सेटिस्फाई होंगे, जब वो स्टेक होल्डर हो गए कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। कस्टमर कब सेटिस्फाई होंगे, जब उनकी डिमांड को पूरा करा जाएगा। सप्लायर कब सेटिस्फाई, जब उनको ऑन टाइम पेमेंट करी जाएगी। सबका अपना अपना रोल है। तो दोस्तों एसएम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले तो क्या करेगी, एनालाइज करेगी, फिर उसको लर्न करेगी। किस चीज का एनालाइज करेगी, किस चीज को एनालाइज करेगी, इंटरनल एनवायरमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। जब एनालाइज कर लेगी और सीख लेगी भाई क्या है, तब आपको एक डायरेक्शन क्रिएट करनी है, स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, जिससे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव हेल्प मिले अचीव करने के लिए, और स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर पाए। सेटिस्फाई इन द सेंस कि भाई जो इंटरनली बैठे हुए स्टेक होल्डर, जैसे कि क्या मैनेजर हो गए, एम्प्लॉय हो गया, वर्कर्स वगैरह, जो सारा एम्प्लॉय हो गया, वो स्टाफ्स, वो ठीक है, आपके पास इंटरनली क्या हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, तो ये सभी चीज क्या हो गए दोस्तों, ऑनर हो गए, ठीक है, वो सब चीज क्या हो गए भाई, वो सेटिस्फाई हो जाए, और एक्सटर्नल भी सेटिस्फाई हो जाए, स्टेक होल्डर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं ना। चलो तो ये थी कुछ डेफिनेशन तीनों की, मतलब समझ में आ गया भाई, क्लियर होगी बातें। ठीक, मेरे को टाइम लग जाएगा दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म कराने में, पर जिस तरीके से मैं खत्म कराऊंगा ना, ये अभी बेनिफिट नहीं होगा, अभी तो सब समझ में आएगा, जब रिविजन करोगे ना और क्लास हो जाएगी एक्सपायर, और फिर आपको क्लास खरीदने की क्या, खुद पढ़ाने लग जाओगे, इतना करा दूंगा आपको मैं। तो एक कंक्लूजन एंड में देखते हैं। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसीडर आइदर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजर। अब जब तीनों का मतलब, तीनों के अलग अलग ऑथर का जब डेफिनेशन पढ़ी, तो पता चला कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन लो, या तो इसको बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, सॉरी पूरा लिख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, है ना। एसएम क्या है दोस्तों, एसएम क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज को फॉर्मुलेशन क्या होता है, अभी बताता हूं और क्या हो सकता है, टू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, जिससे क्या कर सके, जिससे भैया टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड गोल भी लिख दीजिए बस। तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट क्या, एक तरीके का डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग करना, एक्टिविटी को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रेटेजी जो भी बनाई उसको इंप्लीमेंट करना, और एंड क्या करना, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यही होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कंक्लूजन।
फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं वो समझिए। फॉर्मुलेशन मतलब होता है किसी भी काम को करने के तरीका, मेथड, कि कोई कौन सा तरीका लगाए जिससे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। अब इसको मेथड वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि किसी काम को एक्टिविटी ऑफ को फॉर्मुलेट करना। एक्टिविटी को फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है, उस एक्टिविटी को करने के अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन बोलो या अलग अलग मेथड बोलो। कोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हो, उसका मतलब होता है बेसिकली मेथड, भाई क्या लगाऊं, कौन सा मेथड लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे वो चीज मेरी हो जाए, वो चीज मेरा हो जाए। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी दवाई बनती है तो उस दवाई बनाने के लिए कोई फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे। अब साइंस की बात है तो मुझे पता नहीं, अब कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे कि हमने कोई भी चीज बनाई, जैसे कि साइंस में मेनली फॉर्मूला का इस्तेमाल, फॉर्मूला का मतलब हुआ किसी चीज को बनाने का तरीका। भाई एक इसको बनाया, एक चीज है भाई, मान लो रॉकेट भेजना है ना, तो रॉकेट भेजने के लिए आपने कोई फॉर्मूला है, भाई इस तरीके से इतना जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इतना भी हल्का हल्का ऊंच नीच होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। दवाई बनाने का फॉर्मूला है ना, कोवैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है ना, है ना, ये सब कोविशील्ड बनाने का फॉर्मूला। तो वो चीज, किसी चीज को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है, बस किससे क्या कर सके। एंड मोटिव तो भैया अचीव और गोल को अचीव करना है, यही इसका मतलब था। पढ़ सकते हैं आप, क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो यहां पर आपको तो ये पहली बात समझ में आया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन और एक एंड कंक्लूजन, क्लियर। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, कहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एम्बिग्यूस, का मतलब होता है अनसर्टेन, लिख भी दिया गया है अनसर्टेन, मतलब कि भाई हमें पता नहीं है वो चीज कि भाई ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी अनसर्टेन है, पता नहीं किसी चीज का, एम्बिग्यूस भी कहते हैं उसको, है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, कहता है भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो एक अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, फंडामेंटल है, एंड हैज अ लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है। ये बताया गया, मतलब चार चीज बताई गई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। बोला भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को चार चीजें बताई गई, लिख लेते हैं दोस्तों। सर ये क्यों लिख रहे हो, लिख रहा हूं भाई मैं तो, कर लिख रहा हूं आप मत लिखिए। अनसर्टेन, जिसको हम एम्बिग्यूस भी कहते हैं, आपने कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीखा होगा, एम्बिग्यूस डॉक्यूमेंट, भूल गए होंगे मुझे पता है। अब ये मत पूछना एम्बिग्यूस डॉक्यूमेंट क्या होता है, लॉ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, हाँ पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि असम में लोग घुसा दूँ, ठीक है, जिस टाइम पे जो होता है वो ठीक है वहीं पर। अनसर्टेन क्या मतलब होता है, अनसर्टेन का जो चीज पहले से ना पता हो वो अनसर्टेन है। जो चीज, एक स्टूडेंट कहता है, मैंने कहा बता अनसर्टेन का मतलब क्या, कहता जो चीज सर्टेन नहीं है कहता जो चीज सर्टेन नहीं है वो अनसर्टेन है। मैंने कहा ये बात तो भाई बहुत तगड़ी कह दी। तो जो पहले से ना पता हो, बात तो सही कही थी उसने, जो पहले से ना पता हो वो क्या है दोस्तों, वो अनसर्टेन होता है, एम्बिग्यूस भी कहते हैं इसको। जो चीज पहले से ना पता हो वो अनसर्टेन है। जो अनसर्टेन, अनसर्टेन क्या होता है, जो चीज सर्टेन नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद पहले मैं चार बातें लिख लेता हूँ, कौन कौन सी, असर्टेन था, कॉम्प्लेक्स था, ऑर्गेनाइजेशन वाइड था, और फंडामेंटल था, और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन था, पांच हो गई। ये तो कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड, ऑर्गेनाइजेशन वाइड, इसके बाद फंडामेंटल, और उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। बस क्या ये पार्टिसिपेट, पहला कॉम्प्लेक्स मतलब, देखो सारी चीज का मतलब समझोगे तभी बात बनेगी ना। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, अरे वो नहीं देखा कभी भाई कॉम्प्लेक्स हो गया यार, बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई ये तो, बड़ी दिमाग, मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो डिफिकल्टी, जो चीज आसानी से ना हो पाए वो कॉम्प्लेक्स है ना। तो जैसे कि भाई हम कोई चीज लेते हैं, हम कोई मान लो लैपटॉप लिया, हमने पहली बार लैपटॉप लिया, हम उसको चला रहे, बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, बड़ा डिफिकल्ट है, जो चीज चलाने में जो चीज आसान नहीं होती, जो चीज आसान नहीं है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स।
जो चीज आसान नहीं है भाई, बिल्कुल बताओ आप। ऑर्गेनाइजेशनल बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या हर कोई कर लेगा? ऐसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इजीली हो जाएगी? नहीं सर, कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगता है, हर चीज को एनालाइज करना पड़ता है। सिखाया नहीं, हर चीज को एनालाइज करो, लर्न करो, क्या इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कस्टमर का बिहेवियर, ये सब वो, तब जाकर एक डायरेक्शन मिलेगा, तब जाकर एक स्ट्रेटेजी बनेगी। कॉम्प्लेक्स है भैया, आसान नहीं है, टाइम लगता है स्ट्रेटेजी बनाने में, है ना? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन वाइड इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है। आज के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कहा गया है इसको। क्या बोला? आज के टाइम पर हर कोई स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करता है। लिखो, आज के टाइम पर हर कोई, आज के टाइम पर हर कोई का, हर कोई क्या, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन लिख लो यार, यहां पर भूल गया, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज कर रहा है, इसलिए कहा गया ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड है। मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करेगा। फंडामेंटल का जो मतलब है, बड़ा सिंपल सा है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिक है, बेसिक मतलब ये नहीं कि बेसिक लेवल है, वो नहीं, बेसिक मतलब ये है कि आज के टाइम पे हर ऑर्गेनाइजेशन एसएम का यूज तो कर ही रही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज तो कर रही है, तो एक बेसिक नीड्स ही हो गई ऐसा समझो आप। जैसे कि हमारे पास अभी कभी सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान में क्या लिखे है, फंडामेंटल राइट्स, कभी आपने उसमें सुना होगा, क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ आपने सुना नहीं होगा कभी लॉ के अंदर कि भाई भारत के संविधान में हर एक लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट रखे हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक अधिकार, बेसिक अधिकार मतलब ये तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में वाइड क्यों है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करती करती एक बेसिक सा हो गया है, फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट सा हो गया, क्योंकि हर कोई लगा रहा है अब, जरूरी भी है ना, इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ही नहीं आ रहा, बेसिक, अब समझो बेसिक नीड बन गई अब एसएम हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, भाई इसको चलेगा ही चलेगा। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, कि जब भी हम स्ट्रेटेजी करते हैं तो छोटे समय के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी करी जाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन कहा गया। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन कहा गया, क्योंकि ये छोटे समय के लिए तो नहीं है भाई। लॉन्ग गोल कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म, और स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी भाई? उस गोल को अचीव करना है तो स्ट्रेटेजी उस तरीके से होनी चाहिए हमारी कि भाई हम उस गोल तक पहुंच सके। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन होगा, लंबे समय तक इस स्ट्रेटेजी का इंप्लाई इंप्लीकेशन डालना होगा। मतलब इन द केस कि हमें जब हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी लंबे समय तक के लिए बिजनेस के अंदर इंप्लीकेशन होगा, बिजनेस के अंदर लागू किया जाएगा लंबे समय के लिए। ये नहीं कि आज स्ट्रेटेजी बनाई, आज के दिन लागू कर दिया और खत्म। आज स्ट्रेटजी बना रहे हो तो एक साल तक वही स्ट्रेटजी लागू करी जाएगी, वही स्ट्रेटजी चलती रहेगी, दैट्स कॉल लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। एक बार लग जाएगा तो जल्दी खत्म नहीं होगा, लंबे टाइम तक वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। एक एक वर्ड का मतलब बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है? अब ये नहीं पूछेगा कि अनसर्टेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या होता है, वो जो ऊपर वर्ड लिखे थे सब बता दिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? अनसर्टेन क्या है? कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशन वाइड, फंडामेंटल एंड हैज टू लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। ऑन द अदर हैंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है? पढ़ क्या रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इट रूटीनाइज्ड ऑपरेशनल स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन। तीन चीजें ये, आओ उसको भी समझते हैं। जगह है? नहीं है भाई, यहां कर दूं ये तो। ऑपरेशन मैं आपको देते टाइम, मैं आपको जब ये बुक दूंगा ना, मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप पहले एक एक वर्ड को, आप लाइन को पहले लिखिए, उसके बाद मेरा एग्जांपल लिखिए, फिर एक लाइन लिखिए, फिर एग्जांपल लिखिए। ये ऐसे मत देखिए, ये तो मैंने उन स्टूडेंट के लिए कहा जिनके पास टाइम नहीं है। देखो सही तरीका, जब आप इस चीज को पढ़ते हो तो आपको इतना याद नहीं होगा, अगर आप लिखते हो, आपका हल्का सा भी टाइम है, आप कर सकते हो तो करिए उसको, इस चीज को लिखिए और उसको फिर इसको मैं नोट्स लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है,
इसमें कहा भाई तीन चीज है, पहले तो रूटीनाइज्ड, रूटीनाइज मतलब, दूसरा आपसे कहा गया एक तो शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन, और रूटीनाइज हो गया, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन हो गया, और एक और था यार क्या था भूल गया मैं, देखो 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 देखो, ऑपरेशनल स्पेसिफिक, हाँ सॉरी ऑपरेशनल स्पेसिफिक, अब मतलब बता दूं उसका, देखो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है ना वो पता है बेसिकली क्या होता है, वो पता है बेसिकली रूटीनाइज होता है, रूटीनाइज मतलब रेगुलर मैनेजमेंट, रेगुलर बेसिस पर काम होता है, रेगुलर बेसिस, रूटीनाइज मतलब रेगुलर बेसिस, प्रतिशत में आ गया होगा कि हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाने के बाद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नहीं है भाई इसकी, एक बार लगा दिया लंबे टाइम तो चल गया, रोज रोज नहीं करना है ऑपरेशन मैनेजमेंट बनाओ रोज, और ज्यादातर ये ऑपरेशन मैनेजमेंट जो बनाया जाता है वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, स्पेशली किसके लिए बनाता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है दोस्तों वहां के लिए बनाया जाता है, ऑपरेशनल ऑपरेशन करने के लिए ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट किया जाता है, ऑपरेशन के लिए करा जाता है, ऑपरेशन जहां होता है फॉर्म में वहां के लिए होता है, वहां के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज करते हैं, तो अगर मैं प्रोडक्शन है फैक्ट्री है तो वहां ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नहीं है कि आज ऑपरेशन मैनेजमेंट आया तो हम इसको लंबे टाइम तक इसको इंप्लीमेंट करते रहेंगे, ये शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है, आज बनाओगे, आज ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज करेंगे तो कल फिर दोबारा हमें एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूज करना होगा, फिर दोबारा करना है मतलब रेगुलर बेसिस पर है, तो एक बार यूज करा फिर दूसरा बनाया मैनेजमेंट, फिर दूसरा मैनेज करा फिर दूसरा, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट रेगुलर बेसिस पर, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है, क्या लिखा इसको मैं समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन समझ गए होंगे आप, ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया, तो दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है भाई, एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है एक शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है, दूसरा एक ऐसा है कि जो आपके पास बेसिकली जो स्ट्रेटेजी होता है वो ऑपरेशन में ज्यादातर मेनली पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर फैला होता है, स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन फैला होता है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में होता है, ऑपरेशन स्पेसिफिकली होता है, तीसरा आपके पास एक तरीके का वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन तो नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन रूटीनाइज्ड है, रूटीनाइज मतलब बार बार ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, वहां पर एक बार स्ट्रेटेजी बनाई लॉन्ग टर्म चल तक चलता है, तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंसेस हो गया दोस्तों, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा आगे क्या है, आगे भी है पर मैं अभी आज की क्लास में नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को एक चीज समझानी है बहुत डिटेल में, बट टाइम लगा के समझाता हूँ, हाँ अगली बार आपके टाइम है तो नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं, बाकी ये अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे देख लीजिएगा। अच्छा मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये लिख लिया ना आपने सर, लिख लेना है ना, मैं इसमें जगह बता दूंगा, वैसे बड़ी बड़ी जगह दे दूंगा अपने अकॉर्डिंग, बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ना इन सभी चीजों को लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए, अपने हाथ से नोट्स बने हुए चीजें अच्छी लगती है, जैसे मैं कुछ बातें हिंदी में बोलता हूं तो वो बातें भी लिख लीजिए जिससे बेनिफिट रहेगा। और दूसरा ये है कि दोस्तों ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पे जाएगा, और इसके बाद लेक्चर डेमो रहेंगे, यूट्यूब पे नहीं रहेगा। अगर आप डिफरेंटली SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खरीदना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना लेकर सिर्फ OM लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, तो सभी का प्राइस आप पूछ सकते हैं, इसमें आप व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर पे। इसके बाद अब क्लास अपलोड नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट पेड लेक्चर है डियर, तो ऑपरेशन OMSM पेड लेक्चर है, बहुत कम फीस है, ज्यादा नहीं है कि सभी ज्यादा फीस नहीं लेता, मैं नॉर्मल फीस चार्ज करता हूँ जिससे आप भी आराम से ले सके और मेरे को भी थोड़ा मेरी मेहनत का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, तीन क्लास आपने देखी, आपको लगा कि यार हाँ इसमें कुछ ऐसा है कि यार ये हमारे स्टडी मैट के थ्रू में है और जो लिखवाया है उसको याद करने में भी आसानी रहेगी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, SM इंडिविजुअली खरीद सकते हैं, ये बता देंगे इस ऑफिस नंबर पे कि अभी है या नहीं है, है ना, SM इंडिविजुअली, अभी के लिए तो जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो मुश्किल ही है, पर SM इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं भाई, बहुत टाइम बाद किसी स्टूडेंट ने देखा वो आ सकते हैं, पता कर लेना कि इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करके, ऑफिस नंबर है, SM इंडिविजुअल है या नहीं है, OM भी इंडिविजुअली मिल जाएगा, SM भी इंडिविजुअली मिल जाएगा, या आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दीपक क्लासेस प्ले स्टोर पर जाकर, और वहां जाकर देख सकते हैं कि हाँ SM मिल जाएगा, OM भी इंडिविजुअली मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा हर एक OM पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा तो पूरा मिलेगा, वो ज़्यादा नॉर्म बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।